जैसे ही बिहार इंटर किया तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया था कि सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज मैं 3 दिन का सफ़र, एक्चुअल 4 दिन का सफ़र, एक दिन में आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि सीरीज़ ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा हो गया है और जाते वक्त के ज़्यादा मेरे पास फ़ोटोज़ हैं भी नहीं। तो आज पंदो इन द सेंस मतलब मनाली के बाद मैं रुका था पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पंदो आप मंडी मान के चलिए। तो पंदो से आगे का सफ़र चालू करते हैं। पंदो से आज हमें जाना था आगरा, बट फाइनली हम दिल्ली रुके क्योंकि वहाँ हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था अपने घर। तो थैंक यू सोमी जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम और पाजी अलग होने वाले थे, उन्हें कुछ काम था चंडीगढ़ में आई थिंक, तो उसी तरह फिर हम आगे बढ़े। और पंदो के बाद रोड्स काफ़ी नैरो हैं और काफ़ी कर्वी रोड है, अप्रॉक्स 150 से 200 किलोमीटर तक रोड बहुत कर्वी है। और उधर के जो लोकल ड्राइवर हैं बहुत ही ख़राब गाड़ी चलाते हैं, जो हिमाचल के ड्राइवर हैं बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं उन लोग। तो रात में तो आप बिल्कुल उधर ड्राइव मत करिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा रात में जाने का अगर आप बाहर से हैं। तो उसी तरह हम आगे बढ़ रहे थे और फिर रोड बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर हम किसी तरह निकले और कीरतपुर आई थिंक वो जगह है, कीरतपुर या जीरकपुर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जहाँ से हमें हाईवे मिलता जो NH है, नेशनल हाईवे, और वहाँ से फिर 4 लेन रोड चालू हो जाता है और आई थिंक हम वहाँ से पंजाब भी इंटर कर जाते हैं। तो वहाँ से रोड काफ़ी अच्छे हैं। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ के हम एक ढाबे एक रेस्टोरेंट में रुके थे हम, और वहाँ कुछ हमने पराठा वराठा खाया था, पनीर पराठा उसने खिलाया था बहुत ही शानदार, तंदूर में जो बनाते हैं, बहुत शानदार पराठा था। फोटोज़ नहीं हैं, बस विचार आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर हम आगे बढ़े और आज ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर वही करनाल होते हुए हम शाम तक दिल्ली पहुँच गए थे। फिर हम अपने फैमिली के यहाँ स्टे किए और वहाँ जो दीदी थी उन्होंने चिकन बनाया था बहुत शानदार, फिर वहीं हमने खाया। और अगले दिन फिर हम दिल्ली से, पहले हमारा कानपुर जाना था हमें, फिर हमने डिसाइड किया कि हम लखनऊ जाएंगे क्योंकि वो बिरयानी फिर से खाना था टुंडे कबाबी में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा। तो फिर दिल्ली से निकले और अर्ली मॉर्निंग हम 8 बजे करीब निकल गए थे दिल्ली से, तो उस समय ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, कुछ एक नोएडा में कुछ ट्रैफिक मिला हमें और फिर हम वहीं कनेक्ट हो गए यमुना एक्सप्रेस वे पे। और फिर से वो टोल पे करना बहुत तकलीफदेह है बाइक के लिए, बट वो वर्थ है, रोड काफ़ी शानदार है। तो फिर हम बढ़ रहे थे आगे और चूँकि यमुना एक्सप्रेस वे पे स्पीड लिमिट है आई थिंक 100 के नीचे ही आपको रहना है, तो हमारे साथ साथ एक डुकाटी मल्टी स्टाडा चल रही थी, वो भी 80-90 की स्पीड में थे, हम भी उसी स्पीड में थे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे थे, अदरवाइज उसने हमें ओवरटेक किया होता तो हम दिखते भी नहीं, वो नहीं दिखते। तो फिर हम आगे बढ़े और उसी तरह से हम पहले कानपुर के लिए मुड़ गए थे, लेकिन फिर हम वापस आए उस हाईवे में आगरा के बाद, जो लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, फिर हम उस पर कनेक्ट हुए और फिर हम लखनऊ की तरफ प्रोसीड किए और शाम होते तक हम लखनऊ पहुँच गए थे। और वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पूरा बंजर है, उस समय और नया बना था तो कुछ भी नहीं था, कोई अमेनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, फ्यूल अप करने के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो इसी तरह हम पहुँचे और फिर शाम में भाई साहब सामान वामान रखे सेम होटल में रुके और भागे टुंडे कबाबी सीधा। वहाँ के बारे में क्या बताऊँ, क्या खाना था साहब, फिर से वो टेस्ट अभी तक जुबान पे है, फिर से वही बिरयानी और वो चिकन और वहाँ का कबाब, खा वा के आराम से आके फिर रेस्ट किया हमने होटल में। और नेक्स्ट डे हम बनारस जाने वाले थे,
एक्चुअली बनारस में भी हमारे एक रिलेटिव थे, एक्चुअल श्रीवास्तव जी के रिलेटिव थे, हमें वहाँ जाना था। तो सुबह फिर होटल स्टाफ से मिले और वो काफ़ी अच्छे थे होटल स्टाफ, तो कुछ फ़ोटोज हैं उनके साथ, वो आप देख लीजिए। फिर हम निकले और बीच में ज़्यादा कुछ है नहीं, इलाहाबाद बाईपास लेते हुए बनारस पहुँचे। इलाहाबाद के पहले एक ढाबा था यादव ढाबा, वहाँ हमने खाना खाया था और वैसा सब्जी मैंने आज तक नहीं खाया, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी, बहुत ही शानदार सब्जी। अगर मैं उस रूप में दोबारा कभी गया तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं वहाँ ज़रूर खाऊँगा। तो फिर हम शाम में बनारस पहुँच गए थे, बीच में काफ़ी बारिश होने लगी थी तो उसमें थोड़ा फंस गया। फिर बनारस घूमने निकले कुछ, लेकिन बारिश की वजह से ज़्यादा घूम नहीं पाए। कुछ फ़ोटोज़ हैं वो आप देख लीजिएगा। और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे थे। फिर बनारस में उस दिन हमने स्टे किया, अगले दिन जो मेरे राइड पार्टनर थे श्रीवास्तव जी वो बिलासपुर जाने वाले थे और मैं पटना आने वाला था। तो अगले दिन सुबह हम दोनों ने एक गुड नोट पे एक दूसरे को बाय किया और वो बिलासपुर की ओर बढ़ गए। उनका डिस्टेंस 600 किलोमीटर का था आज और मेरा डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो फिर मैं वही मुगल सराय होते हुए मैं निकला बनारस से, और फिर जैसे ही बिहार इंटर किया तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया था कि इसलिए क्योंकि मेरी बाइक अनरजिस्टर्ड थी, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो, और उस अनरजिस्टर्ड बाइक को लेके मैं इतनी दूर गया था, इसका मुझे विश्वास नहीं था। तो बस दोपहर 2 बजे मैं पटना पहुंचा। फिर बिहार इंटर करने के बाद मैं औरंगाबाद के बाद लिट्टी चोखा खाया। बिहार आए तो लिट्टी चोखा तो खाएंगे 15-20 दिन बाद। फिर बारिश होने लगी थी तो रुक गया था आधे घंटे 45 मिनट के लिए, फिर भी भीग गया था। और 2-2.5 बजे मैं घर पहुंचा। और इसी तरह से मेरा ये लगभग 5,500 किलोमीटर का सफ़र जो था वो कंप्लीट हुआ। उसी दिन रात में 8 बजे से वास्तव जी भी घर पहुँच गए थे, 8:30 बजे। तो जो हमारा ये सफ़र था वो कंप्लीट हुआ लद्दाख का। इसमें डर था, एडवेंचर था, एक ड्रीम था, और ये सब इसलिए पूरा हुआ क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज़ था वो है सब्र। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं रखा हूँ अभी 1 मिनट। ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये मेरा टेम्पररी नंबर प्लेट था जिसे लेके मैं लद्दाख गया था, क्योंकि उस समय मेरी बाइक का परमानेंट नंबर नहीं आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं BHR1BK0433। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आपका कोई भी ड्रीम पूरा हो सकता है। ये नहीं करा बिना पेशेंस के आपका ड्रीम पूरा नहीं कर सकते आप, या आप कुछ चीज़ को पा नहीं सकते। लेकिन किसी न किसी मोड़ पे आपको पेशेंस रखना होगा अपने लाइफ के, क्योंकि ये जो मेरा ड्रीम था ये मैंने 2009 में देखा था और 2 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा था लद्दाख के लिए। आप जो देख रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई बीच में, मैं हर जगह टाइम पे निकल रहा था, टाइम पे पहुंच रहा था। तो ये प्लानिंग 1 दिन का नहीं था, ये 2 साल का था और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन का था। तभी आप 1 दिन 600 किलोमीटर राइड करके अगले दिन फिर सुबह 5 बजे उठ के राइड के लिए तैयार होते हो। शौक 1 दिन का होता है, आपका पैशन आपके साथ हमेशा रहता है। तो मैं इस राइड में मेरे साथ जो गए थे श्रीवास्तव जी उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ की वजह से राइड काफ़ी आसान हो गया था। रास्ते में मुझे जसकरण जो पाजी मिले उनका भी, उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, और भी जितने भी लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता पर उनका सपोर्ट हमेशा था।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और ये लद्दाख सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो तो शुरुआत थी। आगे ऐसे बहुत सारे राइड करने हैं और आपको मैं बहुत सारे राइड ऐसे दिखाने वाला हूँ। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज योर हेलमेट। प्लीज़।